हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आपका फिर से वीडियो में दोस्तों आज में हम देखने वाले हैं भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है स्पष्ट कीजिए तो चलिए दोस्तों दो देख लेते हैं भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है दोस्तों भारत में जनसंख्या का वितरण असमान है पर्यावरणीय भागों वन क्षेत्रों और मरुस्थलों की अपेक्षा मैदानी भागों में अधिक जनसंख्या है इसी प्रकार नदियों के उपजाऊ मैदानों समुद्र तटीय क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है और दोस्तों हिमालयन छोटे राज्य सिक्किम की जनसंख्या मात्र छः दशमलव सात लाख की है यानी दोस्तों छः लाख सत्तर हज़ार रही है जबकि मैदानी बड़े राज्य उत्तर प्रदेश की जनसंख्या उन्नीस दशमलव पंचानवे करोड़ है यानी दोस्तों पाँच लाख जनसंख्या और होती है अगर उत्तर हमारा उत्तर प्रदेश है तो बीस करोड़ हो जाती लेकिन दोस्तों कुल मिलाकर भारत में दस ऐसे राज्य हैं जिनमें से प्रत्येक की जनसंख्या दोस्तों छः करोड़ से अधिक है दोस्तों कुछ राज्य क्षेत्रफल में बड़े होते हुए भी कम जनसंख्या वाले हैं जैसे राजस्थान और मध्य प्रदेश जबकि ये दोनों ही क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के बड़े राज्य हैं केवल पांच राज्यों उत्तर प्रदेश दोस्तों उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र बिहार पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश में देश की आधे से अधिक जनसंख्या निवास करती है तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी वीडियो को हमें लाइक में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना चले मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक नमस्कार जय हिंद जय भारत